दुट्टी रखते हाथ रखते हैं भ्रष्टाचार। और आप जो इच्छा करिए, यम यम चिंतयते कामम प्राप्नोति निश्चितम, वो चीजें होनी ही होनी है आपको। हाँ, वॉच वॉच क्यों कर रही है सर? या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं कार्रवाई के लिए तैयार। ठीक है, कहाँ सो रही थी? हाँ ठीक है, रुकिए रुकिए, इतनी लेट कार्रवाई क्यों की? अरे रुकिए ना महाराज, एक को लाने दीजिए ना बीच में, एक को लाने दीजिए। एक खनन क्या कमाई का जरिया था, सवाल नंबर एक। दूसरा ये, खनन अगर कमाई का जरिया था तो बीएसपी के शासन में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ, और क्या यह माना जाए अब सब कुछ साफ सुथरा है? वो सोनभद्र वाले इलाके में भी साफ सुथरा है, बुंदेलखंड में भी साफ सुथरा है, उन्नाव वाले एरिया में भी साफ सुथरा, मतलब जो खनन वाली जो बेल्ट है, हमीरपुर वाली जो बेल्ट है, क्या सब कुछ ठीक हो गया? देखिए, केवल खनन ही नहीं, आपने तो बहुत छोटी बात बोली है। इसको अगर दिखाना हो तो ऐसे दिखाइए ना कि सरकार, सरकारी पोस्ट और सरकारी तंत्र अपने आप में कामधेनु गाय है। आप उस सिस्टम में किसी भी पद पे पहुंच जाइए, बाबू बन जाइए, सबसे छोटा मैं बता रहा हूं, एक डंडा लेके सिपाही आप बन जाइए, और आप जो इच्छा करिए, यम यम चिंतयते कामम प्राप्नोति निश्चितम, वो चीजें होनी ही होनी है आपको। और आप जो इच्छा करिए, यम यम चिंतयते कामम प्राप्नोति निश्चितम, वो चीजें होनी ही होनी है आपको। हाँ। इसी का उदाहरण है कि छोटे छोटे बाबुओं के यहां से करोड़ों रुपए, 150, 200, 250 करोड़ रुपए पास्ट में निकले हैं। करप्शन का भी, यानी जो पैरलर एक तरीके से इकोनॉमी चल रही है, इतिहास उतना ही पुराना है। आजादी मिलने के बाद इन करप्ट लोगों को भी आजादी मिल गई है, ये करप्शन किए जा रहे हैं। एक सिंपल डाटा दूंगा, कई बार मैंने बोला है, जो करप्शन, जो घोटाले पब्लिक डोमेन में आ गए, जैसे तेलगी घोटाला, ये सब, इन सब की वैल्यू अगर आजादी के बाद मिला देना तो $20 ट्रिलियन है जो यूएसए की इकोनॉमी है, और हमारी इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन अभी पहुंची नहीं है। 6 गुना 7 गुना ज्यादा करप्शन हो गया, जो नॉलेज में नहीं आया, किसी ने 10 रुपए घूस ले लिया, 500 ये सब ले लिया, उसकी तो कैलकुलेशन ही नहीं है। आपने एक चीज बड़ी अच्छी वो किया था कि भाई फार्मूला बताइए कि 10,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाला आदमी, 50 लाख रुपए तो बहुत छोटी है जो इनके यहां से मिली है, 40 लाख रुपए ये है क्या? ये मास्टर की है साहब। जब आप बैठ जाते हैं ना किसी पोस्ट पे और आपको साइन करने का अधिकार मिल जाता है किसी चीज के लिए, देश हित के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, स्वहित की बात पहले होती है। कैसे ये सिस्टम काम कैसे करता है, गवर्नमेंट की मैकेनिज्म, डिलीवरी मैकेनिज्म देखिए कैसा है, कि राजीव गांधी ने खुद बोला कि 1 रुपए देती है अगर गवर्नमेंट तो 15 पैसे तक पहुंचता है, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इनका मैकेनिज्म इतना सॉलिड, इतना ईमानदार है ना, कि नीचे से लेके ऊपर ये उल्टा फ्लो करता है, गवर्नमेंट से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर गवर्नमेंट की तरफ, यानी मंत्री मिनिस्टर तक जाता है। इसका एक लाइव एग्जांपल देखिए, नोएडा में पुलिस के यहां कुछ दिन एक लिस्ट मिली थी, उसमें पूरे रेट लिस्ट था कि साहब इस चीज का, इस ये काम करने का इतना है, ये काम करने का इतना है, उसमें बड़ा बवाल हुआ था मीडिया में, हाँ सबका शेयर था। तो देखिए जितना गवर्नमेंट मैकेनिज्म तो ईमानदारी में फेल है इनके सामने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की है तन्वीर जी, क्या माइनिंग के ठेके में भी शेयर होता है क्या, कि फला का इतना शेयर, आईएएस का इतना शेयर, आईएएस से जो थोड़ा सा जूनियर है उसका इतना शेयर, खनन बाबू जो है उसका इतना शेयर, पूरी हायरार्की होती है ना, हायरार्की जो है उसका इतना शेयर होता है क्या? करनी चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट रुकिए, रुक जाइए धनवीर चौधरी जी, एक मिनट रुक जाइए। एक लाल फीताशाही कब ज्यादा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बीएसपी की सरकार में, या बीजेपी की सरकार में? क्योंकि चहेतों का पूंजीवाद, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, जब एसपी की सरकार थी तभी होता था, लाल फीताशाही भी जम करके जब समाजवादी पार्टी की सरकार या बीएसपी की सरकार रही है तभी ऐसा कहा जाता है कि तभी ज्यादा लाल फीताशाही। ये कल्चर कैसे डेवलप होता है, ये चरित्र, कल्चर नहीं बल्कि मुझे चरित्र कहना चाहिए, ये चाटुकारिता वाला चरित्र, ये कट कट मनी लेने वाला चरित्र, ये कैसे डेवलप होता है, ये कॉन्फिडेंस आता कैसे अंदर से? देखिए, ये कैसे ये कॉन्फिडेंस आता है क्राइम करने का? बहुत पहले का मुझे आपका डिबेट याद आ रहा है, उसमें यही बात हुई थी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक ग्रेजुएट लड़का जिसके दिल में कूट कूट के ईमानदारी भरी रहती है, आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करने के पहले तक, जो देशभक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए बात करता है, आईएएस ऑफिसर जो रंग रूट होता है, 2 साल ट्रेनिंग वहां मिलती है इन लोगों के, आईएएस की जो ट्रेनिंग सेंटर है लाल बहादुर शास्त्री, और निकलते ही ऐसा उसका पता नहीं क्या ब्रेन वॉश होता है। हाँ। कि वो भ्रष्ट हो जाता है, 1 साल के भीतर करोड़पति बनना होता है उसको, ज्यादातर लोगों की ये हालत है। तो सबसे पहले मैं, अगर कोई हो, आप सर बैठे हुए हैं जो मेरे बगल में आईएएस, बताएं वहां क्या ट्रेनिंग होती है। एक ईमानदार लड़का देश उनको देता है उस ट्रेनिंग को, और पहुंचते ही जब वो सिस्टम में जाता है
तो सारी चीजें एकदम उलट हो जाती हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, पैसे बनाने में। तो ये जो आपने पूछा कि चरित्र डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके पीछे होता है कच्चा और जल्दी लालच। कहीं ना कहीं हमें लगता है ना कि जो मान्यताएं हमारी थी चरित्र बिल्डिंग का, अब देखिए नैतिक शिक्षा कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। आज इसको स्ट्रीट स्मार्टनेस, आप नंबर दो से पैसा कमा के आगे बढ़ जाइए, उसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस, उसको होशियारी में जो है गिना जाता है, और समाज और सारे लोग उसको प्रोत्साहन देते हैं सब कुछ होते हुए भी। तो इस तरीके की जब सामाजिक मान्यताएं बदलेंगी ना, तो आदमी चाहता है कि भाई मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊं। बड़ी आइडियलिस्टिक बातें हैं, हालांकि एक ही आप जो बात कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर ये चीज कितनी एग्जीक्यूट होंगी, कब तक एग्जीक्यूट होगी, ये बहुत बड़ा, नहीं, हाँ, ये बहुत बढ़ती जा रही है, कभी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, दो चार आप ऐसे आईएएस ऑफिसर को देखिए कि उनके खबरों को पढ़ के जो ईमानदार हैं, एक तो देखिए तनवीर जफर जी जैसे, नहीं देखिए क्या है कि एक नागरिक होने के कारण आप मंत्री हो कुछ भी हो, अगर कोई ईमानदार मिले ना तो उसके सामने आपको झुक जाना चाहिए। तनवीर, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, सुनिए, लेकिन होता क्या है, उसको सारा पूरा नेक्सस मिलके नेता से लेके मंत्री तक, ट्रांसफर से लेके धमकी देना, ये वो, दुर्गा नागपाल का एक केस है, चार छह और ऐसे केस है, एक केस तो ऐसा है जिसको मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन मीडिया में खूब उछला था, जहां जिस चीज को प्रमोट करना है उसको प्रमोट ना करके जिनको नहीं प्रमोट करना है उनको मंत्री मिनिस्टर प्रमोशन दिया जाएगा। तो आदमी, कोई एक ईमानदार आदमी कब तक जो है संघर्ष करेगा? तो वो सबसे पहले जो शिफ्ट हुआ है वो आइडियोलॉजी के ऊपर, जो चीजें बुरी थी उसको हम सबसे अच्छा मानने लगे हैं, उसकी हम वाहवाही करने लगे हैं, वो कल्चर सिस्टम में अडॉप्ट हो गया है, वो कल्चर पूरे सिस्टम में अडॉप्ट हो गया है। यही कल्चर, एक बात जिस कल्चर की बात कर रहे हैं मिश्रा, यही कल्चर एक और बात कहता है, अभी हमारे दोस्त ने बड़े ऐसी बात कही कि दो साल के बाद जो है वो एकदम बदल जाता है। देखिए एक आदमी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे आइडियल लेके अपना नौकरी में आता है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे सिपाही हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंजीनियर हो, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे जो देखता है कि जो क्या ये चल रहा है, तो उसमें बहकना अब ये आदमी के ऊपर है कि वो कितना बहकता है, कितना गिरता है, और कोई ना गिरना चाहे तो नहीं भी गिरता है। वो स्पाइन उसी को बोलता आपके उसके ऊपर है, सर उनको फोर्स किया जाता है, जो नहीं गिरते हैं उनको फोर्स। अरे तनवीर जी, स्पाइन उसी को बोलते हैं ना, ट्रांसफर के अलावा कुछ नहीं होगा। तनवीर जी, स्पाइन उसी को बोलते हैं ना, मैं वो अरे बता नहीं रहे, एक मिनट, एक 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 धर्मवीर चौधरी जी को बोलने, सरकार वाच कर रही है, बिना बोले हुए धर्मवीर चौधरी जी रह नहीं सकते, वाच कर रही है हमारी। अब सुनील जी, आपने जो बोला उसका जवाब ले लें, और धर्मवीर चौधरी जी, राशिद जी, कोई बच नहीं पाएगा हमारे यहाँ। वाच क्यों कर रही है सर, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं कार्रवाई के लिए तैयार। वाच क्यों कर रही है सर, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं कार्रवाई के लिए तैयार। वाच क्यों कर रही है सर, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं कार्रवाई के लिए तैयार। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ये गंगा जी नहा करके आएंगे और बीजेपी में जो आएंगे सब धुल जाएंगे पाप आकर के, यही तो हो रहा है देश में, इन वाले में होते होंगे। हाँ एक इंपॉर्टेंट, देखिए जो आपने ये सवाल पूछा ना, बड़ा सही है, किस लेवल पे करप्शन सबसे हाई होता है। द्विवेदी सर जरा सुनिएगा, उस लेवल पे करप्शन सबसे हाई होता है जो हायरार्की में ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे नीचे आता है। जैसे एक सिपाही जो डंडा लेके खड़ा रहता है, उसका रीजन है भले ही वो 10 रुपए ले ना, लेकिन उस करप्शन से डायरेक्ट जनता को, दुखी आदमी को जिसको सेवा मिलनी चाहिए, पीड़ा मिलती है। तो इसलिए जो सबसे निचले लेवल का करप्शन होता है, बाबू जो 10 रुपए लिए बिना आपकी फाइल कभी पास करेगा ही नहीं, अगर निचला लेवल ही सही हो जाए, और एक बाबू अगर सही तरीके से फाइल को आगे बढ़ा देना, तो उसमें करप्शन का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। अगर वो सही तरीके से केस बना दे, बड़े से बड़ा आईएएस ऑफिसर भी, फिर एक थाने में जो केस लिखता है सिपाही, अगर वो ईमानदारी से केस लिख दे तो कोर्ट भी इसको चैलेंज नहीं कर पाएगी, और कोर्ट के डिसीजन फिर एकदम न्यायप्रिय आएंगे, सही आएंगे। सलाखों के पीछे जाना नहीं, इनका नौकरी से बाहर होने का काम शुरू हो रहा है। इनसे बता दीजिए बैठे हैं भाई को कि यहाँ हम लोग ने कहा ना कि अभी कि उत्तर प्रदेश की ये पहली सरकार है देश के अंदर अब तक कि जिनको दागिल और चोटिलों को हम बाहर कर रहे हैं नौकरी से ही, और सलाखों के पीछे भी जाएंगे, ये कोई बक्सा ही नहीं जाएगा यहाँ, ये कोई सपा बसपा की गवर्नमेंट नहीं है। ये संसद में 50% अब की बार दागी लोग पहुंचे हैं सर, उनको बाहर करेंगे। एक भी जरा सा भी भ्रष्टाचार समझौता हो नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूँ राशि भाई, उत्तर प्रदेश
बाहर करिए। सरकार को तीसरा वर्ष चल रहा है,